हेलो दोस्तों, हमारे इस टेलीविजन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि नया लिस्ट अभी आया है 2019 से 20 का, उसमें हम ये देखेंगे कि उसमें किसका किसका नाम आया है और किसको कितना किस्त मिला है और किसको कितना पैसा मिला है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, सबसे पहला तो आपके पास यदि लैपटॉप है तो आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं, या मोबाइल है तो उसमें भी कोई सा ब्राउजर यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमने गूगल क्रोम यूज किया है जो कि मेरे पास लैपटॉप है। आपके मोबाइल में भी अगर गूगल क्रोम है तो फिर आप गूगल क्रोम खोल सकते हैं, या डायरेक्टली सिंपल सा आप कहीं से भी गूगल खोल सकते हैं। और उसमें सबसे पहला जो आपको टाइप करना है वो टाइप करना है iay.nic.in। ये देखिए नीचे आ चुका है iay.nic.in। ठीक है, तो मैंने इस पे क्लिक किया तो हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन आया है यानी FTO, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 मार्च आज है और 2020 है, तो सबसे पहला जो मतलब जो आएगा उसको खोलना है। यदि आपको नहीं मिल रहा है वेबसाइट, तो मैं इस वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से भी खोल सकते हैं। तो आइए सबसे पहला इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इस पे मैंने क्लिक किया और इस पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे अबाउट अस लिखा हुआ है उस पे हमें क्लिक करना है। बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास, तो ये जो अबाउट अस है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आया हमारे सामने, ये देख सकते हैं, जो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमें क्लिक करना है यानी कि 2019 से 20 का जो लिस्ट देखना है, तो सबसे पहला हमें ये जो यहाँ पे दिया हुआ है AWAASOFT, इस पे हमें क्लिक करना है। यदि आपके पास फोन है, लैपटॉप है, तो ये ऐसे इस पे लगेगा माउस का वो बटन, तो अपने आप ये नीचे ड्रॉप डाउन बटन खुल जाएगा। लेकिन यदि आपके पास मोबाइल है तो उस पे इसपे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो ये जो इतने सारे ऑप्शन हैं वो आपके सामने खुल के आएगा। तो ये इतने सारे जो ऑप्शन खुल के आया है, तो दूसरे नंबर पे है रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट पे हमें क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो रिपोर्ट पे हमने जैसे कि क्लिक किया तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आए हैं, जैसे कि फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट, फाइनेंशियल प्रोग्रेस रिपोर्ट, बहुत सारे ऑप्शन आए हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमें सभी पर ना जा करके हमें सबसे पहला जो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए जो फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट है दूसरे नंबर पे है, हाई लेवल फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो इस पे हमें क्लिक करना है। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस पे हमने क्लिक कर दिया तो कुछ इस तरीके का हमारे सामने खुल करके आया है। तो ये कुछ इस तरीके का खुल के आ गया है हमारे सामने। तो इसमें देखिए सबसे पहला है, तो आइए सबसे पहला जो हम क्लिक करते हैं इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट दिया हुआ है, यानी 2010 से लेकर के 2020 तक। ठीक है, 2018 से 19 का भी दिया हुआ है, 2019 से 20 का भी दिया हुआ है। तो अब जिस वर्ष का लिस्ट देखना चाहते हैं उस वर्ष पे क्लिक करें। ठीक है, हमें देखना है 2019 से 20 का लिस्ट, जो कि अभी नया आया है, नया अपलोड किया गया है वेबसाइट पे। तो हम सबसे पहला 2019 से 20 वाले पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो 2019 वाले और 20 वाले पे जैसे ही क्लिक किया मैंने, तो हमारे सामने एक और ऑप्शन आया है। ठीक है, और ये ऑप्शन जो सिलेक्ट करने के लिए आया है, तो इसमें सबसे पहला तो हमने ईयर सिलेक्ट कर लिया, दूसरा जो हमें सिलेक्ट करना है वो प्रधानमंत्री आवास योजना हमें देखना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला जो है हमें सिलेक्ट करना है, यहाँ पे देख सकते हैं पहला ऑप्शन ही है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, ग्रामीण से रिलेटेड जो भी मतलब योजना आया है प्रधानमंत्री आवास का ग्रामीण क्षेत्र में, तो ये सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लिखा हुआ है, तो इस पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, इस पे हमने क्लिक किया, उसके बाद एक और ऑप्शन आया हमारे सामने में ऑल स्टेट का। आप जिस स्टेट से भी हैं उस स्टेट पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास, तो उस पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो हम कोई सा भी चूज कर लेते हैं अपने मन से, जैसे कि बिहार हमने चूज कर लिया, तो बिहार जैसा कि हमने चूज कर लिया, तो उसके बाद एक और ऑप्शन आया हमारे सामने खुल करके, तो स्टेट के बाद जो है सो आपको सेलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हमने स्टेट सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं आप, कौन से डिस्ट्रिक्ट का देखना चाहते हैं। तो जस्ट हम ऐसे मतलब कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं बिहार में, तो मैं दरभंगा का ले लिया। ठीक है, दरभंगा का लेने के बाद डिस्ट्रिक्ट यानी ले लिया, डिस्ट्रिक्ट के बाद हमें जो सिलेक्ट करना है वो आपका ब्लॉक कौन सा है। ठीक है, तो ब्लॉक सिलेक्ट करना है, जो भी आपका ब्लॉक है, जैसे कि हम कोई भी अपना सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि अलीनगर ब्लॉक सिलेक्ट कर लेते हैं अपना। आप भी आपका जो चॉइस होगा आप कर
कर सकते हैं, जैसे कि हमने तो अलीनगर चॉइस कर लिया क्योंकि दरभंगा में इतने सारे ब्लॉक था, तो मैंने अलीनगर चॉइस किया। आप भी अपने हिसाब से कोई चॉइस कर लेना। उसके बाद जब मैंने ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया, ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आपका आएगा कि आपका पंचायत या आपका विलेज कौन से विलेज का देखना चाहते हैं जिस ब्लॉक में, क्योंकि एक ब्लॉक में बहुत सारे विलेज आता है, बहुत सारे पंचायत उसको बोल सकते हैं, तो बहुत सारे आएगा, तो उसमें आपको कौन से विलेज का देखना है, कौन से पंचायत का देखना है, तो सबसे लास्ट में वही ऑप्शन आता है जो कौन से पंचायत का आपको देखना है। तो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं जो 2020 में जो है सो इतना सारा अपलोड हुआ है, और भी अगर होगा तो वो अभी अपलोड नहीं किया गया है दोस्तों, ठीक है, लेकिन इतना सारा जो है सो ऑप्शन आपके पास है। तो हम सबसे पहला अपना कोई भी क्लिक कर लेते हैं, हमें तो लिस्ट देखने से मतलब है। तो अगर आपका कोई विलेज है तो आप उस पर स्पेसिफिक क्लिक कर सकते हैं। हमने तो ऐसे हनुमान नगर पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो हनुमान नगर इस पे हमने क्लिक करने के बाद सबमिट का ऑप्शन आता है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आया। सबमिट के ऑप्शन पे उसके बाद आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं हमारे सामने जो है हनुमान नगर का जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना में लिस्ट में नाम आया है, जिसको जिसको जो है सो पैसा मिला है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हो गया उसका नाम हो गया, और ये उसके फादर या मदर्स का नेम हो गया, हाउस ये हाउस नंबर जो भी है वो होता है, हमें तो पता नहीं ये क्या होता है, तो जो यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद सेंसेक्शन नंबर है, अमाउंट कितना मिला है, कितने किस्त में मिला है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट को कितना मिला है, ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अमाउंट रिलीज यानी कितना उसको मिला, हाउस स्टेटस जो भी है यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक किस्त मिला है इसको, जैसे कि पहला हमने आपको बताता हूँ विलेज जो है सो ये बगला आया है, जैसे कि ये किसी का नाम है जो भी नाम है, ठीक है, बहुत पेचीदा नाम है ये, मोतीस खातून, ठीक है, तो इतना सारा नाम है आप देख सकते हैं, तो इतने सारे का जो है प्रधानमंत्री लिस्ट में नाम आया हुआ है। आप यहाँ से नीचे तक देख सकते हैं, नीचे भी देख सकते हैं बहुत सारे लिस्ट है, लगभग कितना है मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे लगभग 312 आदमी का जो है सो इस पे नाम अपलोड किया गया है। तो यदि आप यहां से डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट देख सकते हैं, यदि आप इसका प्रिंट निकलवाना चाह रहे हैं दोस्तों तो ये देखिए यहाँ पे साइड में राइट साइड में सबसे ऊपर ये रेड कलर का पीडीएफ का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये आप इस पे क्लिक करके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, या अपने फोन में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, जैसा कि हम आपको डाउनलोड करके बता देते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं मैंने उस पर क्लिक किया और यहाँ पे जो है वो पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड हो चुका है, और आप इसको उसके बाद ओपन करके देख सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं जो पीडीएफ फॉर्म खुल रहा है दोस्तों, थोड़ा सा प्रोसेसिंग स्लो है इसका, तो ये देखिए सारा लिस्ट जो है 2019 से 20 का वो आ चुका है हमारे सामने। तो इस तरह से आप पीडीएफ फॉर्म में भी देख सकते हैं, ठीक है, और यदि आप उस पीडीएफ का यदि प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं तो वो भी निकलवा सकते हैं दोस्तों। तो ये था 2019 से 20 में जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो भी लाभार्थी है उसका नाम जो इसमें आया हुआ है वो हमने देखा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और शेयर भी करें दोस्तों।